आकाश और आज के इस वीडियो में गाइस जो है ना बात करने वाले हैं प्रिग्मा फिक्स की। देखो प्रिग्मा फिक्स के अंदर जो है वो अपडेट आया, तो इस वीडियो में मैं आपको प्रिग्मा फिक्स के ऊपर जो है ना वो पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे टोकन बाय करने के बाद आपको जो है वो एक्टिव करना है। और एक बहुत ही अच्छी बात मैं आपको बताऊँ कि इस वीडियो में मैं जो है वो प्रिग्मा फिक्स का एक कोड जो है वो कहीं पर भी पुट कर दूंगा। अगर आप लोग ये वीडियो को पूरा देखते हो, ध्यान से देखते हो किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है वो पूरा अगर एंड टू एंड देखते हो, तो आपको 1 मंथ का जो टोकन है वो इस वीडियो में कहीं पे भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो आप उसे कॉपी करके सिंपली फ्री में जो है वो 1 मंथ के लिए जो है वो टोकन को यूज कर सकते हो। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे मैं जो है ना वो अभी आपको प्रिग्मा फिक्स के ऊपर जो है वो लेके चलता हूँ। तो पहले तो आपको गूगल पे जो है वो क्रोम में प्रिग्मा फिक्स को डाउनलोड कर लेना है। सेटअप को रन करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का जो है वो इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो इस तरीके का होगा। आपको सिंपली जो है वो रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है, ठीक है। रजिस्टर नाउ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी डालना है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डाल देता हूँ और राइट कर दिया। राइट करने के बाद अब मैं रजिस्टर पे जो है वो क्लिक कर लेता हूँ। तो देखो यहाँ पे क्या लिख गया, रिन्यूअल यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड द 1 मंथ, गेट द बोनस एक्स्ट्रा 1 मंथ, यू विल बी गेट द बोनस फॉर द एक्टिवेशन यूजिंग द 6 मंथ एंड 12 मंथ टोकन, डेट एक्सपायर्ड 5। अगर मैं मान के चलिए कि ये मेरा जो है वो 5वें महीने में 15 तारीख तक जो है वो चलेगा, तो अगर मैं वहाँ पे जो है ना 5वें महीने 15 तारीख के बाद अगर मैं वहाँ पे 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन या 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेता हूँ तो प्रिग्मा फिक्स की तरफ से जो है वो उतना जो है वो फ्री दिया जाएगा। तो यहाँ पे जो है प्रोसेस जो है ये रन हो रहा है एप्लीकेशन और देखते हैं क्या कुछ है। वैसे तो पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटरनेट पे दी गई है, क्या कुछ है ऑफिशियल चैनल वगैरह पे भी आप जो है वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। बट अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मोबाइल रिपेयरिंग टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि ये जो होता है वो एकदम फ्री होता है, ठीक है। अब लेटेस्ट अपडेट की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे जो है वो पेज पे देखने को मिल जाएगी, जैसे कि अप्रैल 15, 2024 को ये अपडेट आया है, एडेड द बीट मैप P40, ये कोई ब्रांड है जिसका जो है जो बीट मैप अपडेट हुआ है। फिर यहाँ पे बीट मैप, तो बहुत सारी चीज़ें जो प्रिग्मा फिक्स में आई है गाइस, इसका एक टूल्स भी आया है। अगर आप लोग कमेंट करोगे, वीडियो को अच्छे खास से लाइक दोगे और नीचे कमेंट आएगा तो मैं उस टूल के ऊपर भी जेन्युइन वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कहना है कि वो टूल से जो है वो कॉल फाइंडिंग पॉसिबल है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन जो एक्चुअल में है, क्योंकि आपको पता है कि मैं पैड नहीं करता, ठीक है। अभी फिलहाल तो पैड प्रमोशन बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ और ना ही फ्यूचर में कोई प्लान है। तो अगर जैसा कुछ होगा, क्योंकि देखो जनरली अगर आप मेरी वीडियो पे व्यूज आएंगे तो इनडायरेक्टली जो है वो अर्निंग होगी, अर्निंग होगी तो मैं उसका इन्वेस्टमेंट जो है वो उस टूल्स में करूंगा और टूल्स में करने के बाद हम एक जो ओपिनियन होगा उस टूल का कि आपको लेना चाहिए या नहीं, वो पूरा मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो अगर आप लोग भी चाहते हो कि हाँ एक अच्छा ओपिनियन बने तो उसके लिए इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि आपका व्यूज़ जो है वो बहुत मैटर करता है। अगर वीडियोज़ पर व्यूज़ आएंगे तो ही जो है वो मैं कर पाऊँगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो देखते हैं, देखो जो कुछ है वो मैं आपको बताता हूँ। ट्रेनिंग्स की बहुत सारी वीडियोस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, तो यहाँ पे इंग्लिश में है, इंडोनेशियन लैंग्वेज में है, ठीक है। और इंग्लिश में देखते हैं क्या है, तो एक वीडियो है UFI बॉक्स इंट्रोडक्शन सेटअप इन इंग्लिश, तो हमें कोई लेना देना नहीं है गाइस, क्योंकि वो YouTube पे लेके जा रहा है, ठीक है। बाकी अगर आप देखना चाहो तो आप वहाँ पर देख सकते हो, लैंग्वेज मैटर नहीं करता, चीज़ें जो है वो टेक्निकल है तो आप देख के भी समझ सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है फ़ोन की डाटा शीट्स वगैरह देखने को मिल जाएगी, जैसे यहाँ पे आप देखो BQ के बारे में है, ठीक है, और RT823 डाटा शीट है, ये बहुत सारी ICs हैं, ठीक है, उनकी डाटा शीट आपको जो है वो देखने को मिल जाएगी। तो किसी एक को ओपन करके मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, और काफ़ी क्विक है, मतलब फास्ट चलता है, तो उस हिसाब से भी जैसे बोर्नियो है वो थोड़ा बहुत लैग्स वगैरह भी देखने को मिलते हैं। उसके अलावा अगर आपको इंस्टेक्स एमेटिक बाय करनी हो तो फिर इंस्टेक्स एमेटिक में भी मैंने अच्छी ओपिनियन अपनी जेन्युइन दी है। देखो जितना मुझे लगता है वो मैं पूरा पेवर इंफॉर्मेशन आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, तो आप यहाँ पे देख लो। बाकी अगर ये डाटा शीट वगैरह में जो है ना थोड़ा सा बाउंस होता है
तो आप देख लेना अपने हिसाब से, क्योंकि जब प्रिपेयर करके वीडियो बनाई जाती है ना गाइस, तो उसका एक कॉन्सेप्ट आपको समझाने में इजी होता है। तो अभी मेरा कोई प्रिपरेशन है नहीं आईसी पे, इसलिए मैं अभी वहाँ पे नहीं जाऊँगा। ठीक है, फोन सेमेटिक के ऊपर आपको ये बहुत सारे ब्रांड्स के फ़ोन जो है वो देखने को मिल जाएंगे, जैसे वीवो शाओमी के। तो यहाँ पे आप देखो कितने सारे हैं। ठीक है, अब वीडियो को स्लो मोशन में करके देख लेना, वीवो के थोड़े कम हैं, टेक्नो के भी थोड़े कम हैं, टेक्नो के हैं ठीक है, काफ़ी मॉडल्स ये हुए तो टेक्नो के तो है। उसके अलावा इंडियन मार्केट में आपको ओप्पो देखने को मिलेगा, तो ओप्पो में भी यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करके देख लेना। नोकिया वगैरह के भी यहाँ पे बहुत सारे मॉडल जो है वो देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, और शॉमी हो गया, सैमसंग, सैमसंग सैमसंग के यहाँ जे सीरीज, ए सीरीज में दिया हुआ है, रियलमी के कुछ मॉडल्स यहाँ पे दिए हुए, वन प्लस के कुछ मॉडल्स हैं। ठीक है, इन्फिनिक्स वगैरह के भी अच्छे खासे मॉडल्स जो है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गए। उसके अलावा यहाँ पे आप देखोगे तो फ़ोन बीट मैप है। ठीक है, बीट मैप में यहाँ पे जो है अगर मैं आपको दिखाऊँ तो सैमसंग काफ़ी बीट मैप दिया हुआ है, वीवो वीवो के भी काफ़ी बीट मैप है, वीवो के अच्छे खासे बीट मैप है इसके अंदर। ठीक है, उसके अलावा आप शॉमी में अगर हम आए तो यहाँ पे रेडमी का अलग सेक्शन है बीट मैप का। उसके बाद यहाँ पे ये अलग है, पोको के एम आई के अलग है यहाँ पर। ठीक है, तो ये मतलब अच्छा है ओवरऑल, एक मंथ का आप ट्रायल लेके देख लेना, अगर आपको सूटेबल लगता है तो आप बाय कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे फ़ोन रिपेयर की कुछ गाइड्स वगैरह दी है, जिसमें मैं अगर मैं वीवो को ओपन करता हूँ तो वीवो V17 में देख लेते हैं, अगर मेरे पास कोई फ़ोन आया जिसमें मान के चलो एटलीस्ट नेटवर्क में नहीं जाएंगे हम, चार्जिंग की कोई प्रॉब्लम है, तो आप USB चार्जिंग डाटा में जा सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो कि क्या ट्रबल शूट जो है वो प्रिग्मा फिक्स की तरफ से दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला ट्रबल शूट कहाँ दिया है आपको, वी बस का वोल्टेज चेक करना, वी बस का वोल्टेज यहाँ पे उन्होंने मार्क किया है कि आपको यहाँ पे चेक करना है, ये वी बस का वोल्टेज टेस्ट पॉइंट से होता हुआ आपका इस कैपेसिटर पे आता है, जो कि होगा इसके GR वैल्यूज दी है यहाँ पे, आप चाहो तो इसके फ्लुक के मल्टीमीटर को चेंज करके यहाँ पे आप देख सकते हो, दो तीन ऑप्शन दिए हुए, जैसे सनशाइन का मेरे पास ये वाला है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप ये देख लो, ये देख लो, बीट थर्मल, BPH, पावर, ये सारी जो है आप यहाँ पे लाइनों को ट्रेस करके उनके GR वैल्यूज चेक कर सकते हो, जिसके भी यहाँ पे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि क्या लाइन में कोई प्रॉब्लम है या नहीं। ठीक है, तो ये मार्केटिंग के लिए तो ठीक है, बट जरूरी नहीं है कि हमेशा GR की वैल्यू सिमिलर ही हो, अगर लाइन थोड़ी 19-20 होती है GR की वैल्यू तो भी तो चल जाता है, फ़ोन चार्ज होता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो वो डिपेंड कि जब आप ओपिनियन जब आप रिपेयर करते हो तो उस टाइम पे क्या देखने को मिलता है आपको, बट ठीक है, जहाँ पे आपको जो है ना अदर्स ब्रांड में खाली लाइनों को दिखाया जाता है, यहाँ पे कम से कम आपको मल्टीमीटर के अकॉर्डिंग GR वैल्यूज तो दिखाई जा रही है, और एक्चुअल में मेन जो कॉन्सेप्ट है ना गाइस, प्राइस काफ़ी कम है। ठीक है, एक मंथ का ट्रायल भी आप यूज़ कर सकते हो, तो उसके भी आप पे भी जो है ना आप जा सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे कंप्यूटर की सेमेटिक है, तो इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पे कंप्यूटर का बीट मैप है, उसके अलावा ड्राइव के कुछ लिंक, कंप्यूटर बीट मैप, एप्पल, तोशिबा, तो क्या है ये सैमसंग, तो ये आपको जो है वो कंप्यूटर के बीट मैप देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद ये जो है ये फीचर्स जो है ना गाइज, ये टूल्स के जो है उससे चालू होगा, और टूल्स जो है वो मार्केट में आ चुका है, एक फर्स्ट टूल्स जो है उन्होंने लॉन्च किया है। ठीक है, तो वो लॉन्च और उसके साथ में यहाँ पे आप जो है वो टोकन, डिवाइस टोकन वो डालना पड़ेगा, तब कॉन्फिगर होगा, और वो जो है ना कुछ यूट्यूबर्स या कुछ इंस्टीट्यूट वालों ने, क्योंकि जिनके पास पैसा है वो इन्वेस्टमेंट करके आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, तो इन फ्यूचर अगर मेरी वीडियो पे भी अच्छा है तो मैं एक जनरल ओपिनियन दूंगा, वैसे मेरे अकॉर्डिंग क्या बात है उस टूल्स के अकॉर्डिंग इसके ऊपर मेरी वीडियोस आएगी, जिसमें मैं पूरे कॉन्सेप्ट को जो भी यूट्यूबर इंस्टीट्यूट या फिर जो लोग सेल कर रहे हैं उनके बिहाफ पे क्या एक रिजल्ट बनेगा मैं अपनी बात रखूंगा आने वाली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार कर क्या रहे हो तुम लोग, कर लो सब्सक्राइब, के कोई पैसे नहीं लगते, और मैं इतने दिन से वीडियोस बनाता हूँ तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब तो बनता है। ठीक है,